हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं हाउ टू होल्ड यूर प्रॉफिट्स। एग्जिट कर रहे हो, डर के मारे एग्जिट कर रहे हो, क्या पता मुझे ये जो प्रॉफिट मिल रहा है ये प्रॉफिट कन्वर्ट होके लॉस में ना हो जाए, या तो जो भी प्रॉफिट मिल रहा है ये गाइस यहाँ पे चला ना जाए। सिंपल सी बात है, इसके लिए आप लोग ये जो ट्रेंड आ रहा है मार्केट में ये मिस कर रहे हो, यही आप लोग का प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में गाइस यहाँ पे लॉजिकली ज्ञान नहीं दूंगा, गाइस यहाँ पे लॉजिकली कैसे करना है आप लोग को प्रॉफिट, बड़े प्रॉफिट होल्ड कैसे करना है ये सारी चीज़ें आप लोग को बताऊंगा, स्टेप टू स्टेप बताऊंगा। आप लोग को ये नहीं बताने वाला हूं कि गाइस यहां पे 10 लॉट, गाइस यहां पे जल्दी की बात आप लोग समझो, यहां पे 10 लॉट आपने खरीद लिए, ठीक है, तो 10 लॉट को यहां तक आप लोग को होल्ड करना है। ये सुसाइड होता है, ये सही तरीका नहीं होता है। अगर गाइस यहां पे लाइव स्ट्रीम पे आप देख रहे होगे, गाइस यहां पे एक लॉट में यहां पे 1500 2500 हम ऐसे करते हैं, ऐसे प्रॉफिट्स कमाते हैं। यही गाइस यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे वर्ड्स आपने देखा होगा, क्योंकि मैं भी उसी फील्ड से आया हूँ, इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ और वो सब चीज़ें देख के आया हूँ। वहाँ पे यूट्यूबर्स आप लाइव स्ट्रीम में देखे होंगे, हमने एक लॉट पे 2500 कमाई, ये सब कमाए, ये सब चीज़ें गाइस यहाँ पे बिगनर्स गाइस कर नहीं सकते। गाइस यहाँ पे कुछ भी बोलो, गाइस यहाँ पे बिगनर्स नहीं हो सकता। तो आप लोग को क्या करना है, स्टेप टू स्टेप गाइस यहाँ पे कैसे आप लोग को जो होल्डिंग कैपेसिटी है, जो प्रैक्टिस है, कैसे करना है सारी चीज़ें बताऊंगा। होल्डिंग गाइस यहाँ पे एक दिन में आती वो भी मैं बताऊंगा, और कैसे क्या करना है सारी चीजें गाइस यहां पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को अच्छे से देखना, अगर वीडियो से कुछ भी लर्निंग मिलती है तो हिट द लाइक बटन, और ऐसे नए वीडियोस और डेली एनालिसिस के लिए गाइस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और नए हो तो और टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो गाइस आपको प्रोसेस का सिंपल सी बता रहा हूं, आप लोग को डर क्यों लग रहा है। सबसे पहला पॉइंट, आप लोग को यहां पे डर क्यों लग रहा है, ये जो प्रॉफिट चल रहा है ये प्रॉफिट पहला बात तो चला ना जाए, ये जो भी प्रॉफिट है चला ना जाए, कम ना हो जाए, जो भी है मार्केट ये रिवर्स होके लॉस में ना चला जाए, दूसरा रीजन ये होता है। तो सबसे पहला, अगर आप लोग को लॉस होने का गाइस डर लग रहा है तो इसको क्या करना है, बुक कर देना है। जो भी प्रॉफिट मिल रहा है 100% बुक कर देना है। आप लोग को अगर यहां पे एक लॉस होने का डर लग रहा है, आप लोग को क्या करना है, ये जो लॉस होने का डर कब गाइस कम होगा, सिंपल सी बात है, ये जो कुछ भी 1:2 टारगेट आप लोग का हिट हो चुका है तो आप लोग को होल्ड नहीं करना है। सिंपल सी बात है, 10 दिन ऐसे करो, 10 या 15 दिन या तो एक महीना, जितना प्रॉफिट कमाना है कमा लो। इतना ऐसा लगना चाहिए कि गाइज अभी मार्केट का प्रॉफिट मेरे जेब में पड़ा हुआ है, तो इतना कॉन्फिडेंस लाओ कि यहाँ पे अभी होल्ड करना मैं सिखा नहीं रहा हूँ। तो अगर आप लोग को ये लॉस होने का डर लग रहा है तो 1:2 टारगेट पे काम करो, और गाइज यहाँ पे पूरा बुक करने की कोशिश करो। इतना प्रॉफिट होना चाहिए जेब में कि गाइज डर नहीं लगना चाहिए। अभी हो गया गाइज यहाँ पे ये लॉस का डर है, तो ये सब चीजें करो कि 1:2 टारगेट लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, पैसा पहले प्रॉफिट जेब में भरो। दूसरी चीज, ये जो भी प्रॉफिट हो रहा है ये चला ना जाए, इसका डर हो रहा है और एग्जिट मार रहे हो, तो इसका मैं इलाज बताऊंगा कि आप लोग को होल्ड कैसे करना है, टेक्निकली कैसे करना है। ऐसा नहीं बता रहा हूं कि जो भी आप लोग के पास लॉट पड़ते हैं, जैसे कि आपने यहां पे एंट्री कर ली, जैसे कि गाइस आप लोग को यहां पे एग्जिट करना है, कैसे क्या करना है, ये पूरा ट्रेंड कैसे कैप्चर करना है, सारी चीजें होल्ड कैसे करना है, सारी चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले होल्डिंग कैपेसिटी आप लोग को इंक्रीज करना है, तो आप लोग को क्या करना है, बैंक निफ्टी में काम करना है, ठीक है, क्योंकि गाइज आप लोग बिगनर्स है तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी यहाँ पे 15 का लॉट हो चुका है। तो गाइज वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते, अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो आप लोग का कम पैसा जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बैंक निफ्टी में काम करो पहले गाइज, वहाँ पे एक लॉट के साथ नहीं करना है, एक लॉट के साथ तो होल्ड नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। मैं आप लोग को सुसाइड करने की भाई ऐसे बताऊंगा नहीं कि गाइज यहाँ पे चलो आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया, आप लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आप लोग का 1:2 का टारगेट हिट हो चुका है तो आप लोग होल्ड करोगे क्या 1 लॉट के साथ, सिंपल की बात है, 1 लॉट के साथ होल्ड करोगे क्या, यहाँ पे नहीं होल्ड कर सकते, क्योंकि आप लोग का गाइस यहाँ पे देखो, अगर मार्केट यहाँ से देखो, मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स हो जाएगा और निगेटिव में चला जाएगा, आपने होल्ड करने के चक्कर में जो प्रॉफिट मिल रहा था वो गाइज आप लोगों ने गवा चुका है, वो गाइज क्या करेगा, ये जो लॉस होने वाला है ये डायरेक्टली आप लोग के साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ेगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि क्या होगा, आप लोग को टारगेट मिल रहा था 1:2, पर आपने होल्ड के चक्कर में हाइज यहाँ पे वो लॉस में कन्वर्ट कर लिया, तो ये सबसे बड़ा गाइज गलत तरीका होता है होल्ड करने का, तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो गाइज क्या करना है, बैंक निफ्टी में जो भी गाइज आप लोग को क्या करना है, अभी देखो आज तक पहली बात तो अगर आप लोग को लॉस हो रहा है, लॉस के चक्कर में आप लोग डर मार रहे हो, तो 1 लॉट के साथ काम करो, 1:2 पे गाइज यहाँ पे काम करो पहले गाइज अपने लेवल्स पे। मैं जैसे गाइज एनालिसिस देता हूँ, लेवल्स अगर फॉलो करो तो प्रॉफिट मिल रहा होगा, बहुत बड़ो हम 250 250 पॉइंट 300 300 पॉइंट्स की अपन कैप्चर करते हैं। तो शुरुआत में 1:2 पे काम करो यार, 1 लॉट
आपके साथ 1:2 काम करो, 10 दिन प्रॉफिट कमाओ, ठीक है, उसके बाद ये जो मैं होल्डिंग कैपेसिटी वाली टेक्निक बता रहा हूँ वो फॉलो करना। सिंपल सी बात है, चलो मान लेता हूँ गाइस आपने 10 दिन यहाँ पे काम कर लिया, आपके पास यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट है। देखो सिंपल सी बात है, ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा कि डायरेक्ट डायरेक्ट होल्ड करना है, ऐसा नहीं है। पहले मार्केट के साथ मार्केट का पैसा गाइस अपने जेब में भरो, कोई भी 500 रुपये है, 10,000 हो, जो भी पैसा आता है पहले भरो, उसके बाद यहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी करो। डायरेक्ट डायरेक्ट मैं ऐसा बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि होल्ड करना चाहिए। तो आप लोगों को कैसे होल्ड करना है यहाँ पे बता रहा हूँ। अब हो चुका है गाइस, आप लोग ने मैं मान लेता हूँ कि आपने 10 दिन यहाँ पे 1:2 के टारगेट पे काम करा और आपके पास प्रॉफिट है। दूसरे अभी 11वें दिन आओगे, अब क्या करोगे, 11वें दिन आओगे आप लोग क्या करोगे, जो 1 लॉट के साथ काम कर रहे थे, 1 लॉट के साथ काम कर रहे थे, अभी 2 लॉट के साथ काम है। देखो मैं 1:2 का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप गाइस 500 लॉट ले रहे हो तो गाइस यहाँ पे 1,000 लॉट ले सकते हो, सारी चीजें गाइस यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझो। अब मान लेता है कि यहाँ पे आप लोग गाइस यहाँ पे 2 लॉट्स खरीद लिए, ठीक है, अब आप लोग का यहाँ पे 1:2 टारगेट हिट हो चुका है, यहाँ पे 1:2 का टारगेट हिट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या करना है, 1 लॉट गाइस यहाँ पे निकाल देना है, 1 लॉट निकाल देना है। जैसा अब तक 10 दिन कर रहे थे वो ऑलरेडी आप लोग को यहाँ पे प्रॉफिट मिल चुका है, तो वैसे तो आप लोग को प्रॉफिट मिल चुका है, जो 1 लॉट बचा है उसको क्या करना है, ट्रेलिंग करना है, होल्ड करना है, ट्रेलिंग करना है, होल्ड ऐसे नहीं करना है अंधाधुंध, सिंपल सी बात है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। तो मार्केट का बिहेवियर कभी भी देखो, अगर नीचे आता है तो मार्केट ऐसे कुछ करते आता है, अगर ऊपर जाता है तो ऐसे गए जहाँ पे स्विंग लगाते हुए जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस स्विंग जो 1 लॉट यहाँ पे देखो, 1 लॉट यहाँ पे निकाल लिया और 1 लॉट बचाए गए जहाँ पे मार्केट क्या करेगा, ऐसे गए जहाँ पे स्विंग लगाते गए जहाँ पे मार्केट अपसाइड गए जहाँ पे ऊपर जाएगा। तो नो डाउट आप लोग को क्या करना है, जहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक स्विंग लगाया, अब देखो दूसरा स्विंग लगाया, यहाँ पे देखो दूसरा स्विंग लगाया और गए आप लोग को जो प्रीवियस स्विंग है यहाँ पे हिट हुआ है। तो जो भी लॉट है आप लोग को यहाँ पे आप लोग को निकालना है। तो नो डाउट यहाँ पे जब आप लोग 1:2 टारगेट है, देखो पूरा क्वांटिटी यहाँ पे नहीं निकाला, मतलब यहाँ से प्रॉफिट चल के यहाँ पे आपने निकाला, कहीं ना कहीं आप लोग को यहाँ पे प्रॉफिट मिला है, ठीक है। तो पूरा कैप्चर कैसे करना है, बट यहाँ पे देखो आपका प्रीवियस स्विंग हिट हो चुका है। देखो आप लोग को रियलिटी बता रहा हूँ कि प्रीवियस स्विंग हिट होता है तो आप लोग का जो भी ट्रेलिंग स्टॉप में बचे हुए लॉट है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब मान ले आपने यहाँ पे री एंट्री कर ली, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे बेस बनाया, उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट पे एंट्री कराए, आप लोग ने यहाँ पे एंट्री कर ली, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, देखो मार्केट कैसे गए जहाँ पे काम करता है, चलो यहाँ पे एंट्री कर ली, आप लोग का 1:2 टारगेट गए जहाँ पे ऐसे कुछ यहाँ पे ऐसे कहीं जहाँ पे 56 पॉइंट का आपका 55.5 का आप लोग का टारगेट था, यहाँ पे 110 का आपका टारगेट। तो यहाँ पे आपने रिटेस्ट पे एंट्री कर ली, आप लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे और 1:2 का टारगेट हिट हो चुका है यहाँ पे। तो आप लोग क्या करोगे गए जहाँ पे हाफ ऑफ द काइट, आप लोग अगर बड़े प्लेयर्स हो गए जहाँ पे तो 70 से 60% क्वांटिटी यहाँ पे 1:2 पे निकलना पड़ेगा। तो गाइज बाकी जो क्वांटिटी होल्ड करना है, कैसे होल्ड करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे रहेगा, देखो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे होल्ड करना है, जब तक आप लोग का 1:2 का टारगेट हिट नहीं होता तब तक आपको ट्रेलिंग स्टार्ट नहीं करना है, नहीं तो वो बेवकूफी होगी। सिंपल सी बात है, लॉजिकली सिंपल सा सोचो, जब तक आप लोग का 1:2 टारगेट हिट नहीं होता है आप लोग को ट्रेलिंग स्टार्ट नहीं करनी। अभी देखो यहाँ पे 1:2 पे आप लोगों की आधी क्वांटिटी निकालनी, अब देखो मार्केट क्या करेगा, ऐसे स्विंग लगाते लगाते गए जहाँ पे नीचे चलाते जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये प्रीवियस स्विंग आप लोग का यहाँ पे टारगेट हो चुका है, मतलब देखो यहाँ पे आपने जब गए जहाँ पे शुरुआत में आपका क्या करते थे 1:2 पे पूरा क्वांटिटी निकालते थे, अब यहाँ से आप लोग का प्रॉफिट बढ़ के यहाँ तक भी आ चुका है, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग को गाइस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर करके गाइस यहाँ पे बड़ा गाइस आपने गाइस यहाँ पे ट्रेंड कैप्चर कर लिया। सिंपल सी बात है, अगर देखो यहाँ पे आप लोग का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो मार्केट गाइस आप लोग को इतना बड़ा ट्रेंड देता है। अब मार्केट में ऐसे भी दिन आएंगे कि गाइज आप लोग का प्रीवियस स्विंग बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा और मार्केट सीधा सीधा गिरते हुए चला जाएगा। अब आप लोग को गाइज यहाँ पे ये दूसरे दिन का आप लोग को एग्जांपल बताता हूँ, सिंपल सी बात है। अब मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे एक जोन बनाया, जोन बनाने के बाद गाइज आप लोग को गाइज यहाँ पे ये देखो जोन बनाने के बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद आप लोग को देख सकते हो गाइज यहाँ पे ये सपोर्ट था, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हुआ, आप लोग को गाइज यहाँ पे एंट्री करी, आप लोग की यहाँ पे एंट्री है, आप लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ठीक है। मान ले गाइज यहाँ पे आप लोग का वहाँ पे स्टॉप लॉस था, अब देखो मार्केट का गाइज यहाँ पे आप लोग गाइज यहाँ पे एंट्री करी थी, आप लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस था, कहीं ना कहीं यहाँ पे 1:2 यहाँ पे आप लोगों का हिट होता है। तो पूरी क्वांटिटी निकालनी है क्या, नहीं गाइस यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, पूरी क्वांटिटी नहीं निकालना है, 72 गाइस यहाँ पे 60% की क्वांटिटी निकालना है। और गाइस यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, ऐसे स्विंग लगाते हुए देखो यहाँ पे जो भी ये देखो स्विंग आते हैं, ये जो ग्रीन कैंडल्स आते हैं स्विंग आते हैं, कई लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, देखो यहाँ पे भी स्विंग आए, यहाँ पे भी स्विंग आई है, देखो ग्रीन कैंडल आई है, यहाँ पे भी स्विंग आया है। तो नो डाउट यहाँ पे जैसे ही मार्केट आएगा गाइस यहाँ पे आप लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता है। तो नो डाउट मार्केट ने यहाँ पे इतना बड़ा मूवमेंट कैप्चर करा है। आपको यह नहीं सोचना है कि मार्केट में गए यहां पे यहां तक मेरा प्रॉफिट चला गया था
तो बट मैंने बुक नहीं करा, यहाँ पे मैंने ये जो प्रॉफिट चला गया ये इसका मत सोचो, क्योंकि गाइज आने वाले दिनों में क्या करेगा, प्रीवियस स्विंग ब्रेक भी नहीं करेगा और ऐसे मार्केट चलाता जाएगा और आप लोग को बहुत थाउजेंड थाउजेंड पॉइंट के भी टारगेट मिलेंगे। तो होप यू गाइज मैं सीधा आप लोग को रियालिटी वाला जो लॉजिकली आप लोग को गाइज यहाँ पे क्या लॉजिक पे आप लोग को होल्ड करना चाहिए वो चीज़ आप लोग को बताई है। होप यू गाइज इस लॉजिक पे आप लोग काम करोगे आने वाले दिनों में और प्रीवियस स्विंग पे ही काम करना गाइज यहाँ पे। अगर प्रीवियस स्विंग कैसे भी ब्रेक करता है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर देखो प्रीवियस स्विंग, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक प्रीवियस स्विंग है, ठीक है, आप लोग ऐसा मार्केट आ चुके हैं और एग्जिट कर चुका है और आपने देखा है कि मार्केट का आप लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ और मार्केट फिर चला गया नीचे, तो ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए, ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आने वाले दिनों में अगर प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं होता है तो बहुत बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं, और प्रीवियस स्विंग ब्रेक करता है तो आप लोग गाइस यहाँ पे उसको स्टॉप लॉस एज एक्सेप्ट करना है और री एंट्री करना है, और बाद में अगर री एंट्री मिलती है क्योंकि ऑलरेडी आप लोग को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैंने लॉजिकली आप लोग को कैसे होल्ड करना है ये सब चीजें आप लोग को बता दिया है। होप यू गाइस अभी भी आप लोग को कोई भी डाउट होगा कि गाइस यहाँ पे कोई स्विंग पे डाउट होगा, किसी भी तरह का डाउट हो तो आप फाइनेंस में काम कर रहे हो तो आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हो, व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, पर्सनल डाउट वहां पे भी रीच आउट कर सकते हो, और कमेंट में बताओ गाइस यहाँ पे आप लोग को नए वीडियोज में क्या लर्न करना है, और आप लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे सब प्री मार्केट अपडेट्स और अपडेटेड चार्ट्स रहते हैं। ये इंटेंशन से ज्वाइन मत होना कि कॉल एंड पुट आएंगे। होप यू गाइस मेरे वीडियो से अगर लर्निंग मिल रही हो तो हिट द लाइक बटन, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं एनालिसिस वीडियो के साथ, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।